इसके बाद धातु के शोधन की अगली विधि है, जिसे हम कहते हैं मंडल परिष्करण या जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग की जो प्रक्रिया है शोधन की, वो खासकर अर्धचालकों के लिए उपयोग में लाई जाती है, और मुख्य रूप से इसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन, गैलियम, इंडियम आदि धातुओं के शोधन के लिए यह विधि उपयोग में लाई जाती है। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित होती है कि धातु में उपस्थित जो अशुद्धियां होती हैं, वह धातु की ठोस अवस्था की तुलना में गलित अवस्था में ज़्यादा विलेय होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें हमारे पास ठोस अशुद्ध धातु है, और यदि दूसरी ओर वही धातु अशुद्ध धातु गलित अवस्था में होती है, तो ठोस अवस्था में उपस्थित जो अशुद्धियां हैं वह निकलकर गलित अवस्था में चली जाती हैं, और इस तरह से जो ठोस अवस्था में जो धातु होती है वह शुद्ध हो जाती है, शुद्ध धातु के रूप में क्रिस्टलीकृत हो जाती है। इसी सिद्धांत का उपयोग करके हम धातुओं का शोधन करते हैं। इसके लिए एक कक्ष उपयोग में लाया जाता है, और इस कक्ष में उत्कृष्ट गैस का वातावरण रखा जाता है। साथ ही साथ इस कक्ष के अंदर जो अशुद्ध धातु होती है उसकी लंबी रॉड, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, इसके अनुसार हम रख लेते हैं। इसके बाद इस ये जो कक्ष है उसको चारों ओर से घेरे हुए एक हीटर लगा होता है या तापक लगा होता है, और यह जो तापक होता है वह गतिशील होता है, यानी कि एक दिशा से ये दूसरे दिशा की तरफ गति कर सकता है, लेकिन इसकी जो चलने की दिशा होती है वह एक ही दिशा में होती है। तो इस तरह से जिस धातु का हमें शुद्धिकरण करना होता है उसकी अशुद्ध धातु की रॉड हम इस कक्ष के अंदर लेते हैं, तथा उसके एक स्थान पर हीटर से उसे उच्च ताप पर गर्म करते हैं। जैसे ही इस किनारे पर गर्म करना शुरू करते हैं, तो गलित अवस्था में जो आसपास जो ठोस अवस्था होती है उसमें से अशुद्धियां निकलकर गलित अवस्था में आ जाती हैं। जैसे ही ये तापन मंडल, ये जो ताप हीटर आगे बढ़ता है, जो गलित अवस्था होती है वह भी आगे चली जाती है, क्योंकि जहाँ पर हीटर होता है उससे घिरा हुआ क्षेत्र ही गलित अवस्था में आता है। उसके पहले वाला जो क्षेत्र है तथा बाद वाला क्षेत्र ठोस अवस्था में होता है। तो जैसे ही यहाँ पर हीटर आगे बढ़ता है, अब वह वाला स्थान गलित अवस्था में आ जाता है, जिससे आसपास की ठोस अवस्था से जो अशुद्धियाँ होती हैं वह ठोस अवस्था से निकलकर गलित अवस्था में आ जाती हैं। और इस तरह से जैसे जैसे ये हीटर आगे की तरफ बढ़ता जाता है, उसमें जो गलित अवस्था में अशुद्धियाँ घुलती चली जाती हैं। इस प्रक्रम को एक ही दिशा में कई बार दोहराया जाता है, और अंत में सबसे किनारे, दूसरे किनारे पर जब हीटर पहुंचता है या गलित अवस्था पहुंचती है, तो उसमें ठोस अवस्था से ज़्यादातर अशुद्धियां उसमें घुल चुकी होती हैं, और इसके पश्चात उस अंतिम सिरे को, जिसमें कि अशुद्धियों की मात्रा बहुत अधिक होती है, उसे काटकर अलग कर लिया जाता है, जबकि जो शेष धातु होती है वह शुद्ध धातु के रूप में क्रिस्टलीकृत हो चुकी है, उसे प्राप्त कर लिया जाता है। तो इस तरह से जोन परिष्करण रिफाइनिंग के द्वारा या मंडल परिष्करण के द्वारा हम धातु को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करते हैं। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि यह जो शुद्धिकरण की विधि है, यह मुख्य रूप से अर्धचालकों के लिए विशेष रूप से उपयोग में लाई जाती है। तो इस तरह से जोन मंडल परिष्करण के द्वारा हम शुद्ध धातु को प्राप्त करते हैं। इसके बाद अगली विधि हम देख रहे हैं, अगली विधि है वाष्प प्रावस्था परिष्करण, या जिसे हम कहते हैं वेपर फेस रिफाइनिंग। तो वेपर फेस रिफाइनिंग ये खासकर निकल, जर्कोनियम तथा टिटेनियम धातुओं के लिए उपयोग में लाई जाती है। यहाँ पर यह विधि इस धातु में जो इस सिद्धांत पर आधारित है कि जो शुद्ध धातु होती है, पहले इसका कोई वाष्पशील यौगिक बना लिया जाता है, और फिर इस वाष्पशील यौगिक को उच्च ताप पर विघटित करके पुनः शुद्ध धातु प्राप्त कर ली जाती है। इस प्रोसेस में दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, एक तो
जिस भी अभिकर्मक का उपयोग वाष्पशील यौगिक के बनाने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है, तो जो धातु है वह उस अभिकर्मक के साथ आसानी से वाष्पशील यौगिक बनाना चाहिए। दूसरा ये कि जो वाष्पशील पदार्थ है, जो बनकर तैयार हुआ है, जो कॉम्प्लेक्स बना है वाष्पशील पदार्थ, उसे बहुत ही आसानी से विघटित होकर धातु मुक्त कर देना चाहिए। और इस इन शर्तों के आधार पर हम इस विधि का उपयोग मुख्य रूप से निकिल, जर्कोनियम तथा टिटेनियम के शोधन के लिए करते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए यहाँ पर हम निकिल के शोधन की विधि पहले देखेंगे, और निकिल के शोधन के लिए ये जो वाष्प प्रावस्था परिष्करण विधि होती है, इस प्रोसेस को मांड प्रोसेस कहते हैं। और हम जानते हैं कि जब निकिल की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड से कराई जाती है, तो यह अपने एक वाष्पशील यौगिक, जिसे हम टेट्रा कार्बोनिल निकिल कहते हैं, में परिवर्तित हो जाती है। और इस तरह से यह जो संकुल हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्राप्त हुआ है, यह लगभग 330 से 350 केल्विन पर हमें प्राप्त होता है। और इस वाष्पशील पदार्थ को जब हम और उच्च ताप पर, लगभग 450 से 470 केल्विन ताप पर जब हम गर्म करते हैं, तो यहाँ पर यह पुनः विघटित हो जाता है, और यहाँ पर हमें शुद्ध अवस्था में निकिल धातु तथा कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से मांड प्रोसेस के द्वारा हम निकिल को प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह से जर्कोनियम तथा टिटेनियम के शोधन के लिए भी यह विधि उपयोग में लाई जाती है, तथा इस विधि को यहाँ पर वॉन आर्केल प्रोसेस कहते हैं। तो वॉन आर्केल प्रोसेस विधि में यहाँ पर खासकर जो जर्कोनियम और टिटेनियम के जो धातुएं होती हैं, उसमें मुख्य रूप से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, और इन्हें दूर करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जर्कोनियम या फिर टिटेनियम, इसकी क्रिया हम आयोडीन से उच्च ताप पर कराते हैं, जिससे मान लीजिए हम यहाँ पर जर्कोनियम लेते हैं, तो जर्कोनियम की क्रिया जब आयोडीन 2I2 से होती है, जब उसको इसके साथ गर्म करते हैं, तो जर्कोनियम टेट्रा आयोडाइड ZrI4 में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरह से जो बना ये कंपाउंड होता है, यह कोवलेंट नेचर का होता है, और इसीलिए यह वाष्पशील प्रकृति का भी होता है। और जब इस वाष्पशील यौगिक को टंगस्टन के तंतु पर लगभग 1800 केल्विन तापमान पर गर्म किया जाता है, तो उस स्थिति में इतने तापमान पर यह जर्कोनियम आयोडाइड विघटित हो जाता है, तथा जो जर्कोनियम धातु होती है वह टंगस्टन पर ही निक्षेपित हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है, जबकि यहाँ से आयोडीन मुक्त हो जाती है। और इस तरह से टंगस्टन के तंतु पर हम जर्कोनियम धातु को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर जो अभिक्रिया है, उसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ZR+2I2 से हम गर्म करते हैं, तो ये बन जाता है ZrI4, और ये जो है वाष्पशील कंपाउंड विघटित होकर हमें जर्कोनियम तथा आयोडीन हमें पुनः प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से इन भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा हम शुद्ध धातुएं प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि धातुओं तथा उसमें उपस्थित अशुद्धियों के आधार पर हम शोधन की भिन्न भिन्न विधियों का उपयोग करते हैं। इसके बाद धातुओं के शोधन की एक और विधि है, जिसे हम कहते हैं वर्णलेखनी या क्रोमेटोग्राफी। वर्णलेखनी या क्रोमेटोग्राफी का जो सिद्धांत है, वह अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित होता है। कक्षा 11 में हमने इसकी कई विधियां, जैसे कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी का अध्ययन किया है। यहाँ पर धातुओं के शोधन के लिए जो प्रक्रिया विधि उपयोग में लाई जाती है, वह होती है कॉलम क्रोमेटोग्राफी।
और खासकर ये जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी प्रक्रिया है उन धातुओं के लिए उपयोग में लाई जाती है जो काफ़ी सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि ये जो धातुएं होती हैं तथा उसमें उपस्थित जो अशुद्धियाँ होती हैं उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों में अधिक अंतर नहीं होता है और इसीलिए इन्हें क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस के द्वारा शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर हम जानते हैं कि जो भी अधिशोषक यहाँ पर चुना जाता है उस पर अशुद्धि तथा धातु के अधिशोषित होने की क्षमता भिन्न भिन्न होती है और इसलिए जब भी इन दोनों के मिश्रण को विलयन अवस्था में जब हम अधिशोषक पर डालते हैं तो ये दोनों ही अलग अलग स्थान पर अधिशोषित हो जाते हैं जिन्हें फिर उचित विलायकों का उपयोग करके हम अलग अलग शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस के द्वारा भी हम सूक्ष्म मात्रा में पाई जाने वाली धातुओं का शुद्धिकरण कर लेते हैं। हमने अभी पूरे धातुकर्मी प्रक्रम को जाना जिसके अंतर्गत हमने जाना कि सबसे पहले जो भी अयस्क होता है उसका उसे चूर्णित किया जाता है यानी कि उसकी क्रशिंग और ग्राइंडिंग की जाती है, फिर उस अयस्क का सांद्रण किया जाता है। सांद्रण की भी विभिन्न विधियां हमने जानी। इस सांद्रित अयस्क से फिर इसके धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है और धातु में के ऑक्साइड प्राप्त कर लेने के पश्चात इन्हें विभिन्न विधियों के द्वारा इनसे धातु अपचयित की जाती है या इनसे धातु निष्कर्षित की जाती है। इसके पश्चात ये जो निष्कर्षित धातु होती है उसे हम विभिन्न विधियों के द्वारा शोधित करके शुद्ध अवस्था में ये धातु प्राप्त करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में काफ़ी समय भी लगता है तथा काफ़ी खर्च भी होता है, लेकिन जैसे कि हमने शुरू में ही जाना था कि पूरी प्रोसेस के लिए ऐसे प्रक्रमों को चुना जाता है या ऐसे अयस्कों का चयन किया जाता है जिससे धातु प्राप्त करने पर हमें कम लागत आए या जिससे हम मितव्ययतापूर्वक धातु प्राप्त कर सकते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को करने के पीछे कारण होता है शुद्ध अवस्था में धातु प्राप्त करना। और शुद्ध अवस्था में हम धातु इसलिए प्राप्त करते हैं क्योंकि हम जानते हैं इन धातुओं का हमारे दैनिक जीवन में तथा औद्योगिक जगत में काफ़ी महत्व है, काफ़ी उपयोग है। तो आइए अब हम कुछ महत्वपूर्ण धातुओं के उपयोग जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं एल्यूमिनियम धातु के उपयोग। एल्यूमिनियम धातु का उपयोग आप घर में करते हैं, आपने देखा होगा कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं उन्हें रैप करने के लिए या उन्हें आवृत करने के लिए हम एल्यूमिनियम फॉयल का उपयोग करते हैं। इसके अलावा एल्यूमिनियम का जो चून होता है या डस्ट होता है उसका उपयोग विभिन्न प्रकार के पैंट या रंग बनाने में किया जाता है। साथ ही साथ मेटलर्जी प्रक्रम में जब हम धातुकर्मी प्रोसेस पढ़ रहे थे उसमें हमने ये देखा है कि क्योंकि जो एल्यूमिनियम धातु होती है काफ़ी सक्रिय होती है और इसीलिए कम सक्रिय धातुओं जैसे कि मैग्नीज या क्रोमियम को उनके ऑक्साइडों से निष्कर्षित करने के लिए लीचिंग प्रोसेस में हम एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि वैद्युत तार बनाने के लिए क्योंकि ये विद्युत के चालक होते हैं इसलिए वैद्युत तार बनाने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एल्यूमिनियम के बहुत सी मिश्र धातुएं बनती हैं जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार के बर्तन, विभिन्न प्रकार के अन्य पदार्थ तथा वायुयान के ढांचे या उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद देखते हैं हम दूसरी महत्वपूर्ण धातु कॉपर या तांबा। तांबा हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ख़ासकर जो वैद्युत उद्योग है वहाँ पर इसका काफ़ी महत्व है क्योंकि हम जानते हैं कि तांबा एक बहुत ही अच्छी चालक धातु है और इसलिए बिजली के तार बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि जो तांबा होती है वो भिन्न भिन्न प्रकार की मिश्र धातुओं के रूप में उपयोग में लाई जाती है। ज़्यादातर घरों में हम देखते हैं जो पीतल के बर्तन होते हैं उसमें कॉपर जिंक के साथ एलॉय के रूप में उपस्थित होती है। इसी तरह से जो कांसा होता है उसमें कॉपर टिन के साथ मिश्र धातु के रूप में उपस्थित होती है। साथ ही साथ यहाँ पर जल तथा भाप के प्रवाह के लिए
जो पाइपें बनाई जाती हैं वह भी तांबे की ही बनाई जाती हैं। इसके अलावा जो कॉपर है उसे मुद्रा धातु भी कहा जाता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के सिक्के बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। खासकर इसे निकल के साथ मिश्रित करके सिक्का धातु या सिक्का ढाले जाते हैं, तो इस तरह से मुद्रा धातु के रूप में भी ये उपयोगी है। इसके बाद हम देखते हैं जो एक महत्वपूर्ण धातु है वह है जिंक। तो सबसे पहले हम जिंक का उपयोग ये जान सकते हैं कि इसका उपयोग जस्तेदार लोहा तैयार करने के लिए किया जाता है और जिसका उपयोग भिन्न भिन्न स्थानों पर होता है। इसके अलावा हम जानते हैं कि जितनी भी बैटरी या सेल होते हैं, खासकर आप घरों में उपयोग करते हैं, जो ड्राई सेल हुआ या मर्करी सेल हुआ, इन सभी सेलों का जो एक महत्वपूर्ण भाग होता है वह जिंक ही होता है। तो इस तरह से व्यापक रूप से हम बैटरी तथा ड्राई सेल या सेल बनाने में इनका उपयोग करते हैं। इसी तरह से मिश्र धातु के घटक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि हमने बताया, पीतल में यह कॉपर धातु के साथ मिश्रित रहती है और जिसके भिन्न भिन्न वस्तुएं बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही साथ जर्मन सिल्वर, जिसका मुख्य रूप से उपयोग बर्तन बनाने में होता है, क्योंकि ये बर्तन काफ़ी हल्के तथा चमकदार होते हैं और इसमें जो इसे मिश्रित किया जाता है उसमें जिंक को कॉपर तथा निकल धातु के साथ मिश्रित किया जाता है। यानी कि जो जर्मन सिल्वर है उसमें मुख्य रूप से कॉपर, निकल तथा जिंक या जस्ता ही अलॉय के रूप में उपस्थित होते हैं। तो इसका काफ़ी महत्व है भिन्न भिन्न प्रकार के बर्तन बनाने में। इसके अलावा यहाँ पर हम एक और बता दें कि जो जिंक डस्ट है उसका उपयोग भी विभिन्न प्रकार के पेंट तथा रंग बनाने में किया जाता है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण धातु है, वह है लोहा या आयरन। हम जानते हैं कि जो लोहा या आयरन है वह उद्योग जगत की रीढ़ है और पूरी मेटलर्जी प्रक्रम में जो पूरी धातुकर्मी प्रोसेस थी उसमें हमने देखा कि जो आयरन है उसके भिन्न भिन्न रूप हमें प्राप्त होते हैं। हमने देखा कि जो सबसे अशुद्ध प्रकार का या लोहा होता है उसे हम कच्चा लोहा या पिग आयरन कहते हैं। उसके बाद हम उससे ढलवा लोहा प्राप्त करते हैं, उससे पिटवा लोहा प्राप्त करते हैं तथा उससे हम इस्पात भी बनाते हैं। तो इन भिन्न भिन्न प्रकार के जो लोहे के रूप हैं उनके उपयोग भी भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए जो ढलवा लोहा होता है इसका उपयोग मुख्य रूप से स्टोव बनाने में या जो रेलवे की स्लीपर होते हैं उन्हें बनाने में या फिर गटर की पाइपें बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो पिटवा लोहा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जो पिटवा लोहा है वह ढलवे लोहे से ही प्राप्त किया जाता है प्रोसेस के द्वारा, तो पिटवा लोहा प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब पिटवा लोहा जो कि ढलवे लोहे की तुलना में ज़्यादा आघात वर्धनी होता है, मेलिएबल होता है, काफ़ी मजबूत होता है, इसलिए इसका उपयोग जिसे हम रॉट आयरन कहते हैं इसका उपयोग मुख्य रूप से बड़े बड़े रस्से, चैन या लंगर जिसे हम कहते हैं उसे बनाने के लिए किया जाता है। इसी तरह से जो कृषि उपकरण होते हैं जो कि काफ़ी मजबूत होते हैं उनको बनाने के लिए भी पिटवा लोहा का उपयोग किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर हम एक और इसके रूप को जानते हैं, वो है स्टील या इस्पात, जो कि काफ़ी मजबूत होता है और हम जानते हैं कि इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के भवनों, बिल्डिंग, पुल आदि बनाने के लिए किया जाता है। स्टील से भी मिश्रित स्टील प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि या जिसे हम मिश्र धातु इस्पात कहते हैं। जब इस पे निकल स्टील एक महत्वपूर्ण मिश्र धातु होती है स्टील की, जिसमें कि मुख्य रूप से आयरन के साथ कार्बन उपस्थित होता है। यानी कि जो स्टील है, हमने जाना कि यह एक प्रकार का एलॉय है जिसमें कि लोहे के साथ कार्बन उपस्थित होता है, साथ ही साथ इसमें जब निकल भी मिला देते हैं तो इसे हम निकल स्टील कहते हैं।
यह भी काफ़ी मजबूत होता है और इसीलिए इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के रस्से बनाने, स्वचालित वाहन बनाने, हवाई जहाज़ों के पार्ट्स बनाने के लिए तथा विभिन्न प्रकार के औजार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के मापक फीते बनाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। इसी तरह से स्टील की एक और मिश्रित या मिश्र धातु स्टील होता है, वह होता है स्टेनलेस स्टील। और हम जानते हैं कि जो स्टेनलेस स्टील है उसमें स्टील के साथ क्रोमियम धातु मिली हुई होती है और इसीलिए इसे स्टेनलेस स्टील कहते हैं, क्योंकि यह काफ़ी चमकदार होता है, हल्का होता है और इसीलिए धब्बा रहित होता है और इसीलिए जल्दी इसमें इसका संक्षारण नहीं होता। इसीलिए विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाने के लिए, पेन बनाने के लिए, साइकिलें बनाने के लिए तथा वाहनों को बनाने के लिए इस धातु का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सभी धातुएं हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं तथा पूरी प्रोसेस के द्वारा हम इन्हें इसीलिए प्राप्त करते हैं ताकि हम इनका भिन्न भिन्न स्थानों पर उपयोग कर पाएँ।